गाल अंदर बैठ जाना, जल्दी थक जाना, चेहरा निस्तेज हो जाना, पाचन तंत्र बिगड़ जाना, आँखें कमजोर होना इत्यादि सम्मानित। ये सभी लक्ष्य बुढ़ापे की अवस्था में होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जवानी के दिनों में भी काफी युवा इन बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। तो आइए इसी बात को हम एक बौद्ध कहानी से समझते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए आज की कहानी को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। एक बार महात्मा बुद्ध एक सम्राट के राजदरबार में जाते हैं और उनसे पूछते ही, राजन बताइए आप लोग की प्रजा कैसी? राजन कहते हैं, हे भगवान, आपने जो उपदेश दिया है इससे हमारी पूरी प्रजा में लोग 60 वर्ष के हैं। उन्हें भी देखने में ऐसा लग रहा है जैसे 20 वर्ष के हो चुके हैं। सबकी ढलती उम्र जैसे रुक गई है, थम गई है भगवन। सब लोग स्वस्थ हैं। हमारे राज्य में लोग तो बैठकर आराम कर रहे हैं, क्योंकि अब किसी को दवा की जरूरत नहीं है। सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं। हमारी प्रजा बहुत ही खुश है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। इस कहानी से आप यह जान पाएंगे कि कम उम्र में ही बुढ़ापा क्यों आता है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध एक सम्राट भी थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी का रूप धारण किया था। इसीलिए उन्हें सब पता था, हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसी दिनचर्या अपनानी चाहिए। दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के 12 महत्वपूर्ण नियम, या यह कह लो आज हम पूरे जीवन का रहस्य जानने वाले हैं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कहानी को ध्यान पूर्वक सुने और इन 12 बातों को सुनकर अपने जीवन में उतार लीजिए। यदि आप इन 12 उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप अवश्य ही कभी बीमार नहीं होंगे और आपका बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिससे हर एक बात आपके दिमाग में बैठ जाए और उसे आप जीवन में अपने उतार सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में भादर सिंह नाम का एक राजा रहता था। राजा बहुत ही दयालु, बहुत दयावान और एक न्यायिक राजा था। उनकी दो रानियां थीं और दोनों रानियां अति सुंदर थीं। वे रानियां भी उस राजा के स्वभाव पर गईं और वो रानियां भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। राजा इतना न्यायप्रिय था कि उनकी प्रजा कभी भी दुख का सामना ही नहीं करती थी, क्योंकि राजा ने अपने मंत्रिमंडल में 9 ऐसे मंत्रियों का गठन किया था जिनके जिम्मे हर एक विभाग बांटा गया था, जिनको यह कहा गया था कि तुम प्रजा का खान पान का ध्यान रखो, और उन सबको अलग अलग काम बांटे गए थे। और उनका इतना सख्त हिदायत था कि किसी को अपने काम में लापरवाही बरतने पर उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए उनके समूह में मंत्रिमंडल के जो मंत्री थे वे बहुत ही ईमानदारी से काम करते थे, और राजा को जब भी कोई न्याय करना होता था तो कभी भी वह किसी के साथ एक पक्षी न्याय नहीं करते थे। वह दोनों पक्ष के एक एक समस्याओं को बहुत ही बारीकी से समझते थे, दोनों के मुद्दों पर ध्यान देकर वहीं पर निष्पक्ष फैसला सुनाते थे। इस तरह से राजा के पूरे राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी, और राजा हर हफ्ते राज्य का एक चक्कर लगाते थे, और पूरे राज्य के जीतने लोग भी थे। उन सबको सभा में बुलाया जाता था, किसके घर में कितना अनाज हो रहा है, किसके घर में खाने के लिए है कि नहीं, इस प्रकार राजा की व्यवस्था होती थी। इसलिए उनकी प्रजा सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, उनका राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था, सारी प्रजा सुखी थी, और इसी सुख की वजह से हमेशा प्रजा राजा का गुणगान करती थी। ऐसे ही एक दिन सभा चल रही थी, तभी उस सभा में एक किसान और उसकी पत्नी आते हैं और कहते हैं, महाराज, आज हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है, कृपया आप हमारी समस्या का समाधान करें। राजन बोले, बताइए क्या बात है? किसान कहता है कि मेरे दो बेटे हैं और अभी उनकी उम्र बहुत कम, अभी से ही उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 26 से 28 साल की होगी, लेकिन वह देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे उनकी उम्र 60 वर्ष की हो चुकी है। उनके सिर से बाल झड़ते जा रहे हैं, उनका पेट निकलता जा रहा है, वे बहुत आलसी हो गए हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। हमने इधर उधर से बहुत दवाइयां करवाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज कहते हैं, ठीक है, और अपने मंत्री जी को आदेश देते हुए कहते, मंत्री जी, अपने राजवेद से इस किसान के बेटे का इलाज करवाया जाए, और जो भी खर्च होगा उसे राज्य कोष से भरा जाए। और मंत्री जी ऐसा ही करते हैं। फिर राजवैद्य किसान के दोनों बेटों का इलाज राजकोष से करते हैं। काफी दिन इलाज चलने के बाद फिर भी वह किसान सभा में उपस्थित होता है और कहता है, महाराज, कोई आराम नहीं हुआ, मेरा बेटा वैसे का वैसा ही है। राजा कहते हैं, ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। और इस पर विचार चल ही रहा था कि तभी उस गांव से एक पति पत्नी रोते हुए आते हैं, और वह भी उसी समस्या का निवारण करना चाहते थे। फिर धीरे धीरे सवाल चल ही रहा था कि एक एक करके पूरे गांव के आधे से ज्यादा लोग वहां आ गए। राजा असमंजस में पड़ गया। उन्होंने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई कि राज्य में जीतने भी वैध है,
सबको बुलाया जाए और दिखाया जाए कि आखिर ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से हमारे राज्य के सभी नवयुवक बूढ़े दिखने लगे हैं। इस समस्या पर पूरा शोध किया जाए। राजा का यह सख्त आदेश था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए और पूरे राज्य में छानबीन की जाए। सभी का घर घर जाकर पता लगाया जाए कि इसका कारण क्या है। जितनी भी प्रसिद्ध वैद्य थी सभी को बुलाया गया और फिर एक आपातकालीन बैठक की गई और उस आपातकालीन बैठक में सारे विचार विमर्श किया गया। राजा ने सभी वेदों से कहा, आप लोगों के पास 10 दिन का समय है और इस 10 दिन के अंदर पूरे राज्य के हर एक घर की बीमारी का पता लगाइए। ऐसी कौन सी बीमारी है या ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने से यह बीमारी हो रही है। राजा ने कहा कि जो भी राज्य में इस बीमारी का सही सटीक पता लगाएगा उस राजवैद्य को उचित पुरस्कार के रूप में एक राज दे दूंगा। अब सारे वैद्य एकदम से एक तल्लीन होकर जुट गए और घर घर जाकर रात दिन एक एक करके पूरा 10 दिन छानबीन की। फिर वे एक दिन जब राज्य की सभा लगती है तो उस राज्य में सारे राज्य वैद्य और पूरे राज्य के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर राजा एक एक करके सारे वैद्य से पूछते हैं। तब सारे राजवैद्य अपने अपने विचार रखते हैं, महाराज हमने पूरी छानबीन किया और छानबीन के हिसाब से हमने लोगों का उपचार भी किया, लेकिन किसी को आराम नहीं मिल रहा है। फिर एक राजवैद्य खड़े होते हैं जो बहुत ही बुजुर्ग थे। उनकी उम्र लगभग 125 वर्ष या 130 साल की थी और उन्होंने कहा, हमारा जो अपना निष्कर्ष निकला, हमारा जो अपना अनुभव है, उस अनुभव से हमें यही लगता है कि हमारे यहाँ रहन सहन और यहाँ के खाने में कुछ दिक्कत हो रही है जिसके वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन हमारे पास इसका सटीक जवाब नहीं है। राजा उस बुजुर्ग राजवैद्य की बात सुनकर वह राजा असमंजस में पड़ जाते हैं कि 130 साल के बुजुर्ग यह बात बता रहे हैं। तो राजा ने कहा, इसका समाधान क्या होगा? अब इसका समाधान भी आप ही बताइए, क्योंकि हम आज एक महीने से इस कारण से चिंतित हैं। एक महीने से हमारी प्रजा परेशान हो रही है और इसे देखकर हम लोग इसी सोच से परेशान होते जा रहे हैं। मेरे भी बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे परिवार में महारानियां, राजकुमार, राजकुमारी या जो भी है, सब लोग इस समस्या से परेशान हैं। आखिर समाधान तो बताइए। फिर वो राजवैद्य हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और राजा से कहते हैं, राजन हमें क्षमा करिए, लेकिन हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है। उन्होंने आगे कहा, इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही व्यक्ति के पास है। अगर उस व्यक्ति को बुला लिया जाए तो आपके राज्य की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उनके अलावा इसका समाधान किसी के पास नहीं है। महाराज कहते हैं, वैद्य जी हमें जल्दी बताइए, इस शुभ काम के लिए देरी मत करिए। मुझे जल्द से उस महापुरुष, उस ज्ञानी का नाम बताइए और अब हम उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित करेंगे। वो राजनीतिज्ञ कहते हैं, क्षमा करें महाराज, हमें उनका पता नहीं है कि वो कहां रहते हैं, लेकिन उनका किसी राज्य में उपदेश अवश्य चल रहा होगा। कृपया आप अपने सैनिकों को सारे राज्य में भेज करके पता लगाए कि महात्मा बुद्ध किस राज्य में है, कहां पर है, कहां पर उनका उपदेश चल रहा है। केवल उन्हीं के पास इस समस्या का समाधान है और दूसरा किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं। राजा यह बात राज्य वैद्य की मुंह से जैसे ही सुनते हैं, उन्होंने अपने सबसे काबिल मंत्री को यह आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द महात्मा बुद्ध का पता लगाया जाए और उन्हें आदर सम्मान के साथ अपने राज्य में लाया जाए। ये हमारा सख्त आदेश है। इसके लिए जितने भी गुप्तचर चाहिए उन्हें ले लिया जाए और उनका जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि इस समय महात्मा बुद्ध का किस राज्य में उपदेश चल रहा है। वह जरूर आएंगे। उनको हमारा संदेश भेजिए, उनको कहिए कि सम्राट बुलाइए है। अगर वो नहीं आते तो आप मुझे बताइए, मैं स्वयं अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाऊंगा। और सारे मंत्री तुरंत चारों दिशा में फैल जाते हैं और काफी अथक प्रयास करने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद यह पता चलता है कि महात्मा बुद्ध काफी दूर राजनीतिक उपदेश दे रहे हैं। मंत्री वहां जाते हैं और बुद्ध को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान आपको हमारे राजा ने बुलाया है, हमारे राज्य पे बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, कृपया आप हमारे साथ चलने की कृपा करें। महात्मा बुद्ध इतने दयालु, इतने हंसमुख, उनका तो बस एक ही उपदेश था कि इस धरती पर हर एक प्राणी स्वस्थ और निरोग रहे, किसी के मन में छल ना रहे, कपट ना रहे, कोई दुखी ना रहे, सभी लोग हंसते रहे। जैसे ही उन्होंने सैनिकों के मुंह से सुना, उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हम तुरंत चलते हैं। और महात्मा बुद्ध उस मंत्री के साथ राज्य में आने के लिए तैयार हो गए और उनके साथ जो उनके शिष्य थे वो भी आते हैं। राजा महात्मा बुद्ध का दरबार में स्वागत करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए सादर आमंत्रित किया जाता है और फिर वह राजा महात्मा बुद्ध से कहते हैं, भगवान हमारी बड़ी ही हंसमुख प्रजा है, सुखी है, लेकिन आज उनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। जब इनके ऊपर विपत्ति आ गई है तो मान लीजिए कि हमारे ऊपर ही विपत्ति आ गई है। ये प्रजा नहीं है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। कृपया आप इन सभी की समस्याओं का समाधान कीजिए।
महात्मा बुद्ध राजा की तो पहले ही प्रशंसा सुन चुके थे। राजा की सोच और विचार से महात्मा बहुत प्रभावित हुई और मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, क्यों नहीं, ये तो कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इस समस्याओं को सारे लोग स्वयं पाल रखे हैं। ऐसी बात सुनकर राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भगवान इतनी बड़ी समस्या है और आप कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है। फिर राजा ने कहा, ठीक है गुरुवर, जैसे भी हो आप हमारे प्रजा को ठीक कर दीजिए। महात्मा बुद्ध के सामने एक शिष्य खड़ा था। महात्मा बुद्ध उस शिष्य की तरफ इशारा करते हैं तो शिष्य कहता है, राजन हमें आपके राज्य में एक ऐसा खुला स्थान दीजिए जहाँ पर राज्य के सभी लोग एकत्रित हो सके, जहाँ का खुला वातावरण हो, जहाँ प्राकृतिक धूप आती हो, जहाँ प्राकृतिक हवा हो, सुनहरा माहौल, वहाँ पर कल प्रातः 4:09 बजे लोगों का उपचार किया जाएगा। लेकिन लोगों को उपचार देने से पहले आप अपने राज्य में ऐसा आदेश लागू कर दीजिए, उस स्थान पर आपके पूरे राज्य के सभी लोग और आप खुद भी उस स्थान पर उपस्थित हों। सभी लोगों को कल से उपदेश देना शुरू हो जाएगा और यह उपदेश 12 दिन तक चलेगा। 12 दिन एक एक करके उपदेश दिया जाएगा और इन 12 दिनों में आपकी पूरी प्रजा स्वस्थ हो जाएगी। राजा शिष्य के मुंह से यह बात सुनकर बड़े खुश होते हैं। सिर्फ 12 दिन में, राजा कहते हैं, ठीक है, जो भी खर्च आएगा वो सारे हमारे राजकोष से दिया जाएगा। फिर वो शिष्य कहता है, कोई खर्चा नहीं आएगा महाराज, आप निश्चिंत रहिए। आप सिर्फ अपनी प्रजा से यह सख्त आदेश करवा दीजिए कि 4:01 बजे वहां उठकर नहीं आएंगे, उसे दंड दिया जाएगा। राजा यह आदेश लागू कर दिए और बोले, कल सुबह सबको वहां आना है। राजा ने एक बहुत बढ़िया सा स्थान निर्धारित किया और कहा कि कल पूरी प्रजा उसी स्थान पर आएगी, हम भी आएंगे और वहां पर महात्मा बुद्ध के विचार सुनेंगे और जैसे जैसे महात्मा बुद्ध कहेंगे उनका पालन किया जाएगा और हमारे सारे गुप्तचर सबके घरों पर निगरानी रखेंगे। जो भी उपदेश का पालन नहीं करेगा उसे सभा में दंडित किया जाएगा। यह सारी बातें घोषित करने के बाद पूरे प्रजा राजा को प्रणाम करती हैं और कहते हैं, नहीं महाराज, हम सभी लोग वहां उपस्थित अवश्य होंगे। महात्मा बुद्ध को सभी लोग प्रणाम करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उस दिन की सभा वहां पर स्थगित कर दी गई और अगले दिन महात्मा बुद्ध का प्रवचन होने वाला ही था। सबके सब 4:11 बजे महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर महात्मा बुद्ध सभा में अपने शिष्य को इशारा करते हुए कहते हैं कि लोगों को बताओ। उनका शिष्य अपने स्थान पर से खड़ा होता है और कहता है, कल से पूरे राज्य के लोग सुबह 4:00 बजे ब्रह्म मुहूर्त जब शुरू होगा उसी समय उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करना है और उस गुनगुने पानी को मिट्टी के बर्तन में घूंट घूंट करके पीना है। जो इसका अनुसरण नहीं करेगा उसे आराम नहीं होगा। ये महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। इस पहला उपदेश का पालन करना है और कल दूसरा उपदेश दिया जाएगा। कल इस उपदेश का सभी लोग पालन करके आएंगे और सभा वहीं पर समाप्त होती है। फिर अगले दिन सभी लोग समय से वहां उपस्थित हो जाते हैं। सभी लोगों से महात्मा बुद्ध किसी से पूछते हैं कि क्या हुआ, कितने लोग पालन किए। सभी लोगों ने हाथ उठाया और सभी लोगों ने कहा, हमने इसका पालन किया है और आज हमें बहुत आराम मिला है। हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ हुआ, शरीर बिल्कुल हल्का हल्का लग रहा है और हम बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध शिष्य से कहते हैं, तब शिष्य कहता है, अब दूसरा उपदेश यह है कि सबको टहलने चलना है और चलना कितना है, 2 से 3 किलोमीटर। उसमें जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वह दौड़ेंगे और जो सामान्य लोग हैं, जो 40 से 50 की उम्र की हैं, वह तेज चलेंगे और वे 1 सेकंड में 1 कदम 1 मिनट में 60 कदम चलेंगे और दौड़ सकेंगे तो दौड़ेंगे। बहुत तेजी से नहीं दौड़ना है, बस अपनी क्षमता के अनुसार 2 से 3 किलोमीटर तक ही चलना है। वह दूसरे दिन का उपदेश था। अगले दिन फिर से सभा शुरू होती है, फिर से सभा लगती है। फिर से सभा में वह पूछता है सभी लोगों से, आप लोगों ने पहले 2 दिन का पालन किया। सभी लोगों ने अपने हाथ उठाकर सहमति जताई। शिष्य पूछता है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तब वे कहते हैं, गुरुवर हमको कोई बीमारी नहीं है, ऐसा लग रहा है। फिर से शिष्य कहता है, अब सब लोग योग करें, प्राणायाम अपने हिसाब से सभी लोग प्राणायाम, जिसमें अनुलोम विलोम शामिल होगा। अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, सूर्य प्राणायाम कैसे किया जाता है, यह सब उस शिष्य ने सभी को बताया और कहा, सभी लोग को कम से कम 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इसे रोजाना करना है। और उस दिन की सभा भी समाप्त हो गई। अगले दिन फिर सभा लगी और उस सभा में सारे लोग उपस्थित हुए और उस उपस्थिति के बाद सबसे दिनचर्या पूछी जाती है, किसने कितना अनुसरण किया। सबने कहा, अब तो हमको ऐसा लग रहा है हमको जैसे कोई बीमारी ही नहीं है, कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ता, हमें जगाना ही नहीं पड़ता। 4:30 बजे अपने आप हमारी आंखें खुल जाती हैं। यह सुनकर महाराज बहुत खुश हुए, इतना बड़ा चमत्कार बिना किसी पैसे की हमारी प्रजाएं ठीक हो रही है।
राजा तुरंत खुश होकर महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, आप हमारे ही राज्य में रहिए, भगवान यहाँ से मत जाइए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं क्योंकि उनका तो काम ही है हमेशा हंसते रहना, क्योंकि वो चिंता नहीं करते थे। फिर वो कहते हैं, अब सभी लोग प्राणायाम योग सब कुछ जान गए हो। अब सब लोग को अगले काम जो करना है वो ये है कि सभी लोगों को 300 ग्राम सेब खाने हैं। इससे ज्यादा भी खा सकते हैं लेकिन कम नहीं। उसके बाद सभी लोग अपना अपना काम करेंगे और उस दिन का भी ध्यान समाप्त हुआ, सभा निष्कासित हुई। फिर अगले दिन सभी लोग आते हैं और सबसे पूछा जाता है कि किसको कितना आराम हुआ। सभी लोग कहते हैं, हम तो पूर्ण रूपेण ठीक हो गए। फिर से शिष्य कहता है, नहीं अभी तो बाकी है, अभी तो आधा नियम और करना है। जब आप पूरे नियम का अनुसरण कर लोगे तब आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, बुढ़ापा छूमंतर हो जाएगा, बुढ़ापा पास भी नहीं आएगा, मर्दाना ताकत बरकरार रहेगा, हमारे महात्मा बुद्ध की तरह चेहरे पर चमक बनी रहेगी। फिर वे कहते हैं, अगला उपदेश क्या है, ये सुनिए, कल से सुबह 7-8 बजे तक सबको सेव खा लेना। फिर वो शिष्य अगला उपदेश सुनाते हुए कहते हैं, मान लीजिए सबने 7-8 बजे तक सेव खा लिया, उसके बाद 2-2.5 घंटे बाद सबको अपना पेट भर खाना खाना है, रोज का जैसे खाते हैं, और खाना खाने के बाद क्या करना है अब वह सुन लीजिए। खाना खाने के बाद सबको रोटी खाना है, मल्टीग्रेन रोटी यानी कि मिक्स रोटी। वो कहते हैं कि उसमें गेहूं नहीं होगी, गेहूं अच्छी चीज नहीं है, उसमें बाजरा मक्का चना इन तीन चीजों की सबको रोटी बनाना है, और सबकी थाली में इसकी रोटी होगी और एक एक कटोरी दाल होगी, उसमें देसी घी और एक कटोरी मिक्स सब्जी का साग होगा, वह सीजन के हिसाब से होगा। सीजन वाली सब्जी अच्छी होती है, वही खाने योग्य होती है, बिना सीजन वाली सब्जी नहीं खाना है। बिना सीजन वाली सब्जी स्टोर रूम में स्टोर की हुई रहती है जो कि काफी दिनों से रखी होती है, और खाना खाने के 30 मिनट बाद सभी को एक एक कटोरी दही खाना है। यदि खाने में आप यह भी शामिल करते हैं तो जब आपका खाना खाने के आधा घंटे बाद दही में गुड़ डालकर खाएंगे तो आपका खाना बड़ी आसानी से बच जाएगा। फिर से शिष्य ने कहा, यह आज का उपदेश था, समाप्त हुआ, और कल सभी लोग इसका अनुसरण करके आएंगे और सब लोग खुशी खुशी अपने घर को जाते हैं। जैसे उपदेश से बताया गया था ठीक उसी प्रकार सभी लोग उसका पालन करते हैं। फिर अगले दिन की सभा होती है और सारे लोग सभा में उपस्थित होते हैं। सबसे पूछा जाता है कि किसको कितना आराम हुआ। तब लोग कहते हैं, भगवान हमको तो कुछ बीमारी ही नहीं है, हम तो पूर्ण रूप से ठीक हो गए, हमको तो लगता ही नहीं है कि हम कभी बीमार हुए थे। महाराज और खुश हो गए, वह कहते हैं, यह तो खाना ही खाने से सब लोग ठीक हो गए, खाने से सबकी बीमारियां ठीक हो गई, धीरे धीरे लग रहा था जैसे कि सबका मोटापा भी अपने आप चला गया। फिर वो कहता है, रुकिए अभी तो कुछ और बाकी है, आगे का सुनिए। सबसे पहले वो शिष्य बताता है कि आप लोग यह भी ध्यान रखें कि खाना और पीना दोनों एक साथ ना करिए, जैसे खाना निगलते वक्त आपको दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा एक घूंट पानी बीच में पी सकते हैं, परंतु इकट्ठा पानी एक गिलास नहीं पीना है। खाना खाने के एक घंटे बाद ही पूरी तरह से आप जितना चाहे पानी पी सकते हैं। अब जैसे सब लोगों ने 10 या 11 बजे तक खाना खा लिया, अब सबको भूख पुनः लगेगी तो 4 या 5 बजे आप सबको एक प्लेट सलाद लेनी है, और सबको सलाद अपने वजन के हिसाब से लेना है। जैसे 50 किलो का वजन है तो उसको परसेंट के हिसाब से लेना है, जैसे 60 किलो है तो 300 ग्राम, किसी का 70 किलो है तो 350 ग्राम, किसी का 80 किलो वजन है तो 400 ग्राम सलाद अवश्य लें। उस सलाद में क्या होगा? सलाद में होगा गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर और एक टुकड़ा अदरक होगा, 3 से 4 लहसुन की कलियां होंगी, और स्वाद के लिए आप उसमें काला नमक या भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। सलाद लेने के पहले कुछ भी खाना पीना नहीं है, जैसा कि पहले ही बता दिया है उसको फॉलो करिए, और अगले दिन आइए। उस दिन की सभा समाप्त होती है, सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, और जैसी जैसी वह नियम बताए गए थे सब लोग उसका पालन करते हैं। फिर अगले दिन सभा में सबसे पूछा जाता है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, आपका शरीर कैसा अनुभव कर रहा है। सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान, और सबका चेहरा एक तेज की तरह चमक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी ढलती उम्र थम सी गई हो। फिर राजा बद्धे प्रसन्न होते हैं। फिर राजा महात्मा बुद्ध के चरण में जाकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, धन्य है भगवान, आपने तो सबको खाने से ही ठीक कर दिया। तब उसने कहा, महाराज रुकिए, अभी तो सारे उपदेश बाकी हैं, अभी जब मैं पूरा उपदेश बता दूंगा तब हमारे भगवान की तरह कोई बीमारी नहीं होगा, कभी किसी को बुढ़ापा नहीं आएगा। राजा कहते हैं, जल्दी बताइए गुरुवर, जल्दी बताइए, हमें सारी चीजें सुननी है। मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ कि जैसे मुझे भी कोई बीमारी नहीं है, मैं अब 16 वर्ष का हूँ। फिर वे बताते हैं, अब रात में क्या करना है, सबका खाना जो रात का है, सूर्य डूबने से पहले सब लोग को खाना खा लेना है, क्योंकि जब हमारे पेट पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उस पर हमारा पेट में हमारा अन्नाशय ज्यादा काम करता है, जब धीरे धीरे सूर्य की रोशनी कम होने लगती है तो हमारा अन्नाशय काम करना बंद कर देती है।
इसीलिए आर्षि मुनि लोग सूर्य डूबने से एक घंटे पहले खाना खा लेते थे। इसके दो फायदे हैं। जब आप सूरज डूबने से पहले खाना खा लेंगे तो आपका सारा खाना पचना शुरू हो जाएगा, और जब आप सोने जाएंगे तो 3 या 4 घंटे में आपका सारा खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा। इसके फायदे, एक तो आपको नींद बढ़िया आएगा, और अगर आप लेट खाना खाते हैं तो अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं, तो उससे आपको जल्दी नींद नहीं आएगी, आपके पेट में अच्छे से खाना पचेगा नहीं, इससे आपको गैस बनेगा। इसलिए आपको सूर्यास्त के एक घंटे पहले रात का खाना खा लेना है। और खाने में क्या क्या लेना है, वह है मल्टीग्रेन, रोटी साग सब्जी सीजन के हिसाब से, 2 चीज और खाना है। कितना खाना है, नाम मात्र, यानी कि हल्का खाना खाना है, जैसे लगी कि आपने खाना नहीं खाया है। फिर उसके 1 घंटे बाद आपको 1 गिलास दूध पीना है, उसमें 3 ग्राम हल्दी डाल देना है। हल्दी शुद्ध घर का होना चाहिए, बाजार का नहीं, उसे उबालें और जब ठंडा हो जाए फिर उसको पीना है। हल्दी वाला दूध आपकी सारी बीमारी को नाश कर देता है, यही इतना शक्तिशाली होता है। अब सारे लोग इसका पालन करेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। इसके बाद दूध पीने के तुरंत बाद सोने